ओके सर, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन द रेट्रो गाइस। दिस इज सौरभ तिवारी एंड आई नो मैंने पिछला वीडियो काफ़ी जल्दी बंद कर दिया था क्योंकि कुछ खास था नहीं दिखाने लायक एंड आई वाज ऑलरेडी टायर्ड कि इतना ट्रैवलिंग करने के बाद और मुझे एयरपोर्ट से घर पहुँचने में लग गया था लगभग 1.5-2 घंटे। सो या बैंगलोर ने मुझे ट्रैफिक से वेलकम ज़रूर किया और सो इट्स डे टू एंड आई हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द नियर बाई एरियाज ऑफ वेर आई एम स्टेइंग। तो जब मुझे काफ़ी लोगों से पूछा तो कुछ लोगों ने रिकमेंड किया कि देयर इज अ टेम्पल नियर बाई में जो एक साउथ के फेमस टेम्पल से काफ़ी रिजेंबलेंस है, आई मीन डिसिमिलर टू दैट, बट मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है विच टेम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ में, बट ये टेम्पल उससे काफ़ी सिमिलर है। आई डोंट नो, पीपल हैव सेड मी दिस थिंग। तो बस अभी वही टेम्पल को हम लोग जा रहे हैं विजिट करने एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर सम मोर प्लेसेस इन द कमिंग टाइम। तो मैंने डिसाइड किया है कि अपार्ट फ्रॉम माय वर्क जितना हो सकेगा मैं बैंगलोर को कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, बट एक चीज़ है बॉस कि अभी तक जो क्लाइमेट बैंगलोर में मिला है इट इज़ रियली प्लेजेंट, काफ़ी ठंडा क्लाइमेट है एंड आई एम सरप्राइज कि मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा क्लाइमेट मिलेगा। मुझे नहीं पता कि कैमरा कितना अच्छे से कैप्चर कर रहा है, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, ऐसा रोड और यू नो ऐसा जो व्यू है, इफ़ यू आर बाइक राइडर, आपको बाइक राइड करनी है या आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो ना, हम लोग को ऐसे रोड काफ़ी पसंद आते हैं, यू नो लेफ्ट राइट में ट्रीज, सेंटर में रोड जा रहा है कर्व्स के साथ, ऐसा रोड में बाइक चलाने का मज़ा आता है, स्पेशली रोड खाली है एंड एक भी खड्डे या यू नो एक भी स्लश टाइप कहीं पर मिला नहीं है अभी तक। ओके सो हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए, आई गेस यही है डेस्टिनेशन जहां हमको आना था। दिस इज द मेन गेट ऑफ द टेंपल, बट एंट्री कहां से करनी है बस। तो हमने पार्किंग कर लिया है, पार्किंग के टाइम पे एक बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ था। तो देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल जो फ्लावर्स वगैरह यू नो बेच रहे थे, तो उन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया कि मतलब हम मुझे कौन फ्लावर सेल करेगा एंड दे लिटरली स्टार्टेड क्राइंग, रोना चालू कर दिया वो लोगों ने। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अपन एक काम करते हैं, अपन दोनों जन फ्लावर ले लेंगे हाफ ऑफ डिवाइड करके। तो अब यहाँ टेंपल कौन सा है, मैं दोनों जगह टेंपल वाले ये सीन दिख रहा है, दैट इज़ द मेन गेट। ओके तो ये रहा अपना एंट्रेंस, दिस इज हाउ द टेंपल लुक्स लाइक। तो काफ़ी लोगों ने कहा मुझे कि ये जो टेंपल है इट इज़ गोल्ड प्लेटेड, मुझे एक्चुअली में आइडिया नहीं है, अगर कुछ जो यहाँ रहते हैं सो प्लीज़ बता देना ये ट्रू सच है कि झूठ है। चलो पहले अपना हाथ वाथ तीनों वॉश कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। डायरेक्ट एंट्री क्यों नहीं है, घूम के क्यों जा रहे हैं। एक चीज़ है, जब आप साउथ साइड आओगे ना मीन बेंगलोर या ऐसे आगे, तो मैंने अभी नोटिस किया है जितने भी टेम्पल से मैं गुजर रहा हूँ या कहीं ऐसा फंक्शन हो रहा है ना, जो म्यूजिक बज रहा है ना बैकग्राउंड में, ये आपको डेफिनेटली यहाँ सुनने मिल रहा है, इसका वाइब ही अलग है। और ये है हम लोग, तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा है इस टेंपल में कि आप गेट का एंट्रेंस इस तरह बनाया है कि आप एंटर करने के बाद मंदिर का एक चक्कर काटने के बाद आप मंदिर में एंटर कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली आप एंटर नहीं कर सकते हो। जो हमारे नॉर्थ साइड के टेम्पल्स होते हैं कि आप मेन एंट्री किए एंड यू सीधा मंदिर के अंदर चले गए, फिर हम अंदर जाके हम घूमते हैं, हम चक्कर मारते हैं, बट यहाँ पर आपको एंट्री मारने के बाद ही आपको चक्कर काटना पड़ेगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग,
लुक्स सो ब्यूटीफुल फ्रॉम दिस साइड. आई डोंट नो कैमरे में कितना अच्छा दिख रहा है बट रियल लाइफ में, रियल आइज में इट लुक्स अमेजिंग. तो अपनी बारी आ गई है अंदर जाने की. काफी रश है यार. हाँ, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इतना रश होगा. ओ, कुछ फंक्शन चल रहा है. चलो भैया, दर्शन वर्शन तो हो गया, अब चलते हैं घर की ओर. मुझे चेंज करके मुझे काम के लिए बाहर भी जाना है. आई हैव सम वर्क टुडे. फर्स्ट हाफ में फ्री था, ऑलरेडी 12:30 बज चुके. आई नो क्लाइमेट देख के लग नहीं रहा है, क्लाइमेट पिछले 24 घंटे से ऐसे ही है यहाँ पर. आफ्टरनून में आपको इवनिंग के वाइब्स आते हैं, इवनिंग में आपको रात वाले वाइब्स आते हैं. तो चलो चलते हैं, इट्स ऑलरेडी 12:30. नाउ यहाँ मैं बाइक थोड़ा सा संभाल के चला रहा हूँ, थोड़ा स्लो चला रहा हूँ. उसका रीज़न ये है कि पहली चीज़ तो बहुत सी स्पोर्ट्स बाइक है एंड मैंने अभी तक जितना भी मैंने बाइक चलाया इट्स ऑलवेज बीन ऑन टू क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड या तो बाइक सिमिलर टू दैट, जिसका सिटिंग पोजिशन एकदम आराम वाला होता है. दिस बाइक में बैठने का थोड़ा सा पोजिशन अलग है, तो इसीलिए आई एम ट्राइंग टू कि एक बार हाथ बैठ जाए. एंड स्लो भी नहीं है, अपन चला रहे हैं, वी आर टचिंग द स्पीड ऑफ 80-90, बट उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि भाई बाइक अपनी नहीं है पहली चीज़, और ये बाइक की अपने को आदत नहीं है स्पोर्ट्स बाइक की. आई डोंट नो लोग इस पर लॉन्ग राइड्स कैसे करते हैं यार, सच में. मैंने TVS चलाया था तो उससे भी झुक के बैठना पड़ रहा है इसमें. एंड यस, मैंने कहा था कि मैं शायद व्लॉग नहीं करूँगा, बट मैं व्लॉगिंग करने वाला हूँ. जैसा मैंने कहा कि मैं ट्राई करूँगा जितना हो सकेगा, मैं बैंगलोर को कैप्चर करूँगा डे वाइज. तो यस, वो रहेगा, बट पॉइंट ऑफ व्यू जो आएगा वो मेरे एक्शन कैमरा का ही रहेगा. चलो चलते हैं, कुछ खास है तो नहीं अभी रास्ते में दिखाने लायक, कुछ रहा तो आई डेफिनेटली अपडेट. यहाँ पर रुका बेसिकली बिकॉज मुझे एक हनुमान जी का टेंपल दिखा एंड इट्स क्वाइट डिफरेंट. मैंने ऐसा टेंपल पूरे नॉर्थ साइड में कहीं नहीं देखा है. सो आई थॉट यहाँ रुकना तो बनता है, तो यहाँ रुका था. एंड आसपास का व्यू भी बहुत तगड़ा व्यू है आसपास. चलो यहाँ का भी दर्शन हो गया, अब चलते हैं घर पे. भाई ये कहाँ आ रहा है? हाँ, थैंक यू. चलो जो लास्ट आपने जो रिकॉर्डिंग देखा उसके बाद मुझे घर जाना था, बट मैं घर नहीं गया. मुझे जो काम था मैं उस काम के लिए गया एंड अभी लगभग शाम होने आ गई है. सो नाउ आई एम गोइंग बैक टू होम. एज यू कैन सी हल्की फुल्की बरसात भी हो चुकी है. सो यस, बेंगलोर आते ही हमको ठंडी भी मिल गई है, बारिश भी मिल गई है. और आई थिंक इसके आगे मैं शायद ब्लॉग नहीं करूँ, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड नाउ. तो इस वीडियो को आई गेस अब यहीं पे एंड करते हैं. कुछ एक्स्ट्रा हुआ अगर दिन में तो वो ज़रूर मैं ऐड कर दूंगा, बट आई डोंट थिंक सो होने वाला है. तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. आई सी यू गाइस विद अनदर वीडियो वेरी सून. अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है फॉर व्हाट सो एवर रीज़न, प्लीज़ हिट द लाइक बटन. नए हो सब्सक्राइब कर दो, ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन एंड टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. आई सी यू गाइस बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून.